हाय फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में अगर हरे मटर की कचौड़ी नहीं खाई तब सर्दी के मौसम में खाने का मज़ा नहीं लिए। आज बनाएगी मैं हरे मटर की कचौड़ी। इसके लिए मैंने लिए है हरे मटर, से मटर को निकाल लिए हैं और इसको धो करके मिक्सी के जार में दे दिए और इसके साथ दिए मैंने 2 हरी मिर्ची और इसको भी हम पेस्ट करेंगे। ध्यान ये रखना है कि हमको बहुत महीन पेस्ट नहीं करना है, हमको थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट करना है। अगर मिक्स दरदरा सा पेस्ट नहीं करेंगे तो कचौड़ी आपका टेस्टी एकदम ही नहीं होगा। और जैसे हम कचौड़ी खाएंगे मुंह में थोड़ा सा दाना आएगा मटर का, तो ही आपको मटर की कचौड़ी का टेस्ट मिलेगा। और इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच गोटा जीरा लिए हैं और 2 सूखी मिर्ची ली है। इसको हम अभी रोस्ट करेंगे, 3 से 4 मिनट तक इस तरह से चलाएगी तो वह रोस्ट हो जाएगा और इसको हम सिलबट्टे में पीस करके पाउडर बना लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल दिए और 2 हरी मिर्ची को कट करके दिए है और जो पेस्ट बनाई थी वो सारा इसमें दे दिए और पेस्ट को इस तरह से 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर चलाएगी, क्योंकि मेरा हम जो है मटर कच्चा लिए थे तो उसको उसमें स्मेल रहता है कच्चापन का, तो वो अगर चलाएगी तो उसका स्मेल चला जाएगा। और फिर हम इसमें नमक और हल्दी देंगे। नमक को हमको थोड़ा सा कम ही देना है, क्योंकि जब इसमें हम कचौड़ी बनाएंगे तो उसमें भी हम आटा का जो डो लगाएगी तो उसमें भी हम नमक देंगे। इस तरह से फ्राई करने रोस्ट इस तरह से चलाने के बाद जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तब जो हम रोस्टेड जीरा का पाउडर बना ली थी वो सारा इसमें भी दे देगी। इससे बहुत ही अच्छा खुशबू निकलता है और दे देगी धनिया पत्ता बस, और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं डाला जाता है। इसी से कचौड़ी आपका बहुत ही टेस्टी होगा। इस तरह से चलाएगी। फिर अभी हम इसको ठंडा होने के लिए बाउल में निकाल लेंगे। अभी हम कचौड़ी जो बनाएंगे इसके लिए फिर हम डो लगाएंगे। आटा लेंगे 1 कप और 1 कप मैदा लेंगे। आप चाहे तो पूरा मैदा में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाली है और चीनी दिए 1 चम्मच और 2 चम्मच दिए रिफाइंड ऑयल देकर के हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिलाएगी और थोड़ा थोड़ा पानी देकर के एक सॉफ्ट डो लगाना है इसमें का। इस तरह से डो लगा करके इसको हम 10 से 15 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देंगे। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट डो लग गया है। अब हम इसका इस तरह से लंबा सा कट कर लेंगे और उसका एक छोटा सा लड्डू जैसा बना लेंगे इस तरह से। इसमें हम एक उंगली प्रेस करके छोटा सा कटोरी जैसा बनाएंगे और इसमें 1 चम्मच हमको स्टफिंग देना है मटर का। मटर मेरा स्टफिंग ठंडा हो गया, इसमें ज़्यादा स्टफिंग नहीं देना है, तब वो जो है फट जाएगा फ्राई करने के टाइम में। इस तरह से देख करके स्पून के पीछे से इसको हमको प्रेस कर देना, एक साइड से अच्छी तरह से दोनों इसको प्रेस कर देना, इसको अंदर की तरफ घुसा करके इस तरह से अंदर में प्रेस कर देना है। और इसमें थोड़ा सा चकला में थोड़ा सा तेल लगा करके इस तरह से करना ताकि लोई जो है कचौड़ी जब बेले तो वो सटे नहीं, चिपके नहीं इसमें। और इसको भी हम एक कढ़ाई में रिफाइन ऑयल गरम करके एक कचौड़ी इस तरह से दे देगी और गैस के फ्लेम को मीडियम रखेगी। एक साइड जब थोड़ा सा लाल हो जाएगा तब फिर उसको पलट देगी इस तरह से, ऊपर से इस तरह से प्रेस करेगी। इस तरह फूल जाएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।